समस्त देवगण सतर्क एवं तत्पर रहे। सैनिकों शीघ्र जाओ और शंखनाद करो ताकि देवी संतोषी को ज्ञात हो सके कि उनके द्वारा भेजा गया संदेश हमें प्राप्त हो चुका है। ये तो उसी शंख की ध्वनि है जिसका प्रयोग करने के लिए ब्रह्मदेव ने माँ को कहा था। प्रतीत होता है देवताओं ने युद्ध का आह्वान कर दिया है। हमें अपनी सेना को तैयार करना होगा। समस्त दैत्यगण को सूचित करो, असुर लोक और देव लोक के मध्य युद्ध छिड़ गया है। सब आक्रमण के लिए तत्पर रहे। अब देवी संतोषी पर विजय प्राप्त करने का अवसर आ गया क्योंकि रणभूमि प्रत्यक्ष रूप से किसी पर भी वार किया जा सकता है। हम देवी संतोषी देवलोक के अपराधी को शरण देने के अपराध में असुर लोक से युद्ध की घोषणा करते हैं। देव सेना को यह सूचित किया जाए कि इस युद्ध का नेतृत्व देवी संतोषी करेंगे। हम सब तैयार हैं प्रजापति। हम असुरों का नाश कर देंगे प्रजापति। माते, हम आपके साथ हैं। हम देवताओं के आवाहन को स्वीकार करते हैं। आज असुरगण समस्त संघारक अस्त्रों का प्रयोग करेंगे जिनसे संपूर्ण देव सेना ध्वस्त हो जाएगी। ब्रह्मदेव ने हमारा आवाहन सुन लिया है। वो अवश्य ही युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। देवी पौलमी, आपको आपके अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। आपने हमारे धैर्य और शांत चित्त को हमारी निर्बलता समझ लिया। माते, प्रत्येक चरण में हम आपके साथ हैं।
हमें ये युद्ध इस प्रकार नियंत्रित करना होगा कि कम से कम हानि हो। नारायण नारायण, प्रणाम माते। माते, देव सेना रणभूमि की ओर प्रस्थान कर रही है। प्रणाम महादेव। भोलेनाथ, देवी संतोषी ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है। ब्रह्मदेव, देवी संतोषी हमारी पोती है। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है अत्यंत सोच विचार कर ही लिया होगा। असुरों को उनके कुकृत्यों का दंड मिलना आवश्यक है। देवियों के दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। देव सेना को आने में अभी भी समय, तब तक हम छल के प्रयोग से स्थिति अपने नियंत्रण में कर लेते हैं।